प्रदेश के नोएडा में अनोखी मिसाल देखी गई, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर पहले फूलों से वर्षा की और फिर उन्हें भेंट में फल दिया है। नमस्कार, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मेरा नाम निशा ऊंचा है। सावन के इस पावन महीने में हिंदू धर्म के लोग कांवड़ लेकर शिव के दरबार पहुंचते हैं और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक तरफ पूरे देश भर में नफरत फैलाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अनूठी मिसाल पेश करती हुई इस वीडियो को देखिए, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर पहले फूलों की वर्षा करते हैं और फिर उन्हें भेंट में फल देते हैं। बता दें कि ये लोग कांवड़ लेके शिव की नगरी जाने को निकले थे, इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके स्वागत में पहले फूलों की वर्षा की और फिर उन्हें फल भी भेंट में दिया है। बता दें कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आई है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रही है। लोग इसे लेकर के अलग अलग तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त देश का माहौल ऐसा है जहां नफरत फैली हुई है, नफरत के नाम पर राजनीति भी खूब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के वीडियो इंसानियत को भी दिखाते हैं। साथ ही जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकते, तो भाईचारे का ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को ANI ने शेयर किया और उसके बाद ये सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड होने लगा। आपको बता दें कि जब से नुपुर शर्मा केस सामने आया था, उसके बाद से ही लगातार हिंदू और मुस्लिम के बीच जंग छिड़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो कि नफरत एक अलग लेवल का रूप लेकर ही नम लेगी, लेकिन उसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आता है जिसमें भाईचारे की मिसाल दिखती है। बहरहाल, आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ, यहाँ आ जाओ।